सुनाते हैं सॉन्ग। ऑल राइट, सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ रोड रेसर ऋषभ। एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द बजाज पल्सर RS 200। एक्चुअली ये BS4 है एंड दिस बाइक बिलोंग्स टू वन ऑफ माई फ्रेंड। एंड यहाँ पे हम लोग को एक एक्रापोविक का एग्जॉस्ट देखने को मिलता है विच कॉस्ट अराउंड 6,000 रुपीज़ समथिंग, जो कि रियल नहीं है, एक्चुअली फेक है। और यहाँ पे कार्बन फाइबर की एक टिप दे के रखी है, नॉट अ कार्बन फाइबर एक्चुअली, बट इट्स अ कार्बन फाइबर फेक वन। और यहाँ पे बेंड पाइप से इसको जोड़ा गया है इधर नीचे साइड से, अगर आप देख सकते हो तो इधर नीचे साइड से एक बेंड पाइप लगाया गया है। इधर से इसको कैटलिटिक कन्वर्टर से जोड़ के इधर से पूरा बेंड पाइप लगा के स्प्रिंग्स से ऐड करके इधर ये पूरा, तो एग्जॉस्ट बेंड पाइप अलग आया था, बाकी यहाँ से इसमें कैट लगाई गई थी। सो कॉस्ट जो आई है की वो 6,000 अराउंड समथिंग आई है। चलो एक और चीज़ हम बताते हैं कि अगर आप कस्टम एग्जॉस्ट लगवा रहे हो अपनी मोटरसाइकिल में तो ये बेस्ट है कि नहीं है, वर्थफुल है कि नहीं। सो लेट मी टेल यू, जो कस्टम एग्जॉस्ट होते हैं मोस्ट प्रोबेबली मोटरसाइकिल में, वो या तो बाय कंपनी के थ्रू आप लगवा सकते हो एंड या तो आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हो, जो एक्रापोविक के रियल वन आते हैं। जैसे ड्यूक 390 के लिए अप्रॉक्स 40 से 45,000 समथिंग आता है, उसमें आपको खुद एक एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है एंड उनका खुद का एग्जॉस्ट होता है, फुल सिस्टम एक्चुअली एग्जॉस्ट होता है या स्लिप ऑन भी हो सकता है। तो उसमें बकायदा आपको स्प्रिंग से एंड ऑल दिस में भी स्प्रिंग है, बट इट्स अ कॉपी वन, नॉट अ रियल वन। उसमें भी आपको पूरा अच्छी तरीके से सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, थोड़ा सा एयर फिल्टर भी उसमें ऐड ऑन किया जाता है और थोड़ा सा इंजन के ऊपर भी काम किया जाता है, जिससे कि आपकी बाइक चले तो वो इंजन पे कोई भी प्रभाव ना डाले। अगर आप डायरेक्टली ऐसे लगाते हो तो आप एयर फिल्टर पहले चेंज करवाओ, एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डलवाओ अपनी मोटरसाइकिल में, तब जाके वो कहीं को इंजन को बैलेंस रखेगा, वरना आपका माइलेज तो जाएगा और इंजन भी दिक्कत में आएगा और एयर फिल्टर आपको काफ़ी जल्दी चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि इतनी हैवी परफॉर्मेंस एयर फिल्टर नहीं ले पाएगा। अगर कस्टम एग्जॉस्ट है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा एयर पास होगी, ज़्यादा एग्जॉस्ट से धुआं भी निकलेगा, तो उसके लिए हैवी एयर फिल्टर चाहिए जिससे कि परफॉर्मेंस आपकी उतनी बनी रहे। ऑल्दो आपको साउंड मिल जाती है, सब कुछ मिल जाती है, बट इन सिंगल सिलेंडर 90% केसेस में आपको एग्जॉस्ट से साउंड नहीं देखने को मिलती है, 90% केसेस में। इसमें भी DB क्लियर लगा हुआ है, मैं एक बार साउंड सुना देता हूँ आपको कैसी है इसकी साउंड। सो न्यूट्रल कर लेते हैं पहले बाइक को, यस, तो यहाँ पे न्यूट्रल हो गई, एक बार साउंड सुनाते हैं। एज यू कैन सी इट्स अ DB क्लियर ओवर हियर, सुनाते हैं साउंड। अगर आप ऐसे चलाओगे तो आपको साउंड इतनी खास समझ नहीं आएगी, मैंने थोड़ा सा रिफ्ट किया तब साउंड उसको समझ में आई। मोस्ट प्रोबेबली अगर इसमें DB क्लियर हटा देते तो मैं भी ये शॉर्ट भी मारना चालू कर देती। मतलब जिसकी मोटरसाइकिल है तो उसकी इंस्टाग्राम ID डिस्प्ले पे हो रही होगी, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आप उसको फॉलो भी कर सकते हो बाय द वे। एंड जो एग्जॉस्ट है इसमें यहाँ पे कस्टम स्टिकर लगा हुआ है एक्रापोविक का, वरना इसमें ब्रांडिंग यहाँ पे एक्रापोविक की आपको देखने को मिलती थी, यहाँ पे एक्रापोविक का स्टिकर लगाया गया एक्चुअली। सो जो मेरा कहना है, जो कस्टम एग्जॉस्ट है वो 90% केसेस में आपको सिंगल सिलेंडर में साउंड तो देने से रहे, बट अगर आपका मन है, अगर आपको साउंड चाहिए, साउंड सिस्टम अगर आपको थोड़ा सा और बेटर चाहिए, 3-4 साल हो गए बाइक को, आप थोड़ा सा अलग कुछ चाहिए अपनी बाइक में, तो ये आप एग्जॉस्ट लगा सकते हो, बट उसके लिए आपको परफॉर्मेंस एयर फिल्टर भी डलवाना पड़ेगा जिससे कि इंजन स्मूथ रहे और माइलेज भी आपका एक्यूरेट रहे। ऑल्दो उतना खास नहीं रहेगा बट ठीक है, माइलेज ओके आपको मिलेगा। जैसे R15 V3 है, उसमें आपको अगर पता होगा तो एक डेटोना किट आती है, डेटोना किट में आपको कस्टम एग्जॉस्ट मिलता है विच इज़ Daytona 1, Daytona का एग्जॉस्ट मिलता है कस्टम, आपको परफॉर्मेंस एयर फिल्टर मिलता है एंड आगे की डिस्क चेंज होती है एंड इधर मास्टर सिलेंडर आपको देखने को मिल जाएगा, पिस्टन हेड भी चेंज होता है थोड़ा, तो इंजन में भी थोड़ा सा वो काम करते हैं। तो 40,000 की रेंज में आपको बाई यामा की तरफ से एक कस्टम एग्जॉस्ट मिल जाता है और थोड़ी सी रिमैपिंग भी होती है उसमें, राइट, जिससे कि वो मोटरसाइकिल अप्रॉक्स 170 कुछ पहुँच जाती है,
काफ़ी परफॉर्मेंस मिल जाता है, बट आपको रेगुलर सर्विस करानी पड़ती है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, कस्टम एग्जॉस्ट लगा रहे हो तो आपको जो सर्विस होगी 5-6 या 6 हज़ार में, तो आपको 2 हज़ार कम ही समझिए, 3 या 4 हज़ार में सर्विस करा लेनी होगी, क्योंकि इंजन ऑयल भी जल्दी जलता है, क्योंकि हैवी एग्जॉस्ट है, साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, एयर भी ज़्यादा पास कर रहा है, तो आपको इंजन में भी ध्यान देना पड़ेगा, वरना ऐसे इंजन सीज होने की भी दिक्कत आ जाती है कस्टम एग्जॉस्ट से। एंड इट्स अ लीगल वन और इलीगल वन, तो एग्जॉस्ट जो कस्टम जो स्टॉक बाइक होती हैं उसमें सब चीज़ तो लीगल होती है, बट अगर आप कोई बाहर की एसेसरीज लगा रहे हो, लगे एग्जॉस्ट लगा रहे हो, तो वो तो इलीगल हो ही जाता है, बट इंडिया में चलता है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके पास उस एग्जॉस्ट के पूरे डॉक्यूमेंटेशंस हैं, सब कुछ है, और आप बाय गवर्नमेंट नॉर्म्स के अंदर रह के वो सब काम कर रहे हो, तो इट्स अ लीगल वन, राइट। अब ऐसे अगर आप चलाओगे तो ऑल्दो इलीगल है, चालान भी होते हैं, ये सब है, तो चला के देखते हैं थोड़ा सा बाइक को, एक बार चलाते हैं बाइक को एंड थोड़ा सा पावर रन भी लेंगे एक बार। तो अगर मैं आरएस को देखूं तो आरएस का पावर पिकअप काफ़ी सही है, काफ़ी सही आरएस का पावर पिकअप आपको देखने को मिल जाता है। बजाज की पल्सर आरएस अपने में बहुत बढ़िया मोटरसाइकिल है, अपने में बहुत सही मोटरसाइकिल है। थोड़ा सा एक बार रन करा के देखते हैं, गंगा एंड इस मोटरसाइकिल में पूरी एबीएस नहीं है, मुझे एबीएस की आदत है, एंड थोड़ा सा मैंने इसीलिए चला के देखा, साउंड काफ़ी अगर मैं बताऊँ तो ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 6000 की रेंज में अगर आपको एग्जॉस्ट मिल जाए तो काफ़ी सही साउंड है, थोड़ा पटपटा ज़्यादा रहा है काइंड ऑफ, बट ठीक है, ओके है, कोई ऐसी बात नहीं है। बात करूं तो आपका परफॉर्मेंस बाइक का बढ़ता है कि नहीं, तो एग्जॉस्ट से परफॉर्मेंस सही में बढ़ जाता है, नॉर्मल चलाने में और अभी चलाने में मुझे फ़र्क समझ में आया, गाड़ी में पावर काफ़ी सही समझ में आ रहा है, तो एग्जॉस्ट का कहीं ना कहीं तो फ़ायदा होता है, मुझे पता है इंजन में भी थोड़ा सा दिक्कत है, बट माइलेज में भी दिक्कत है, बट परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है, आपकी गाड़ी का पावर पिकअप थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा एग्जॉस्ट से पावर सॉरी ज़्यादा एग्जॉस्ट से जो एयर है वो पास हो रही है, तो जितनी ज़्यादा एयर पास होगी उतना ज़्यादा पावर पिकअप आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं नॉर्मल चला रहा हूँ, मैं खींचना चालू करूँगा, पावर पिकअप काफ़ी सही आ रहा है, अच्छी होती है, ये चीज़ मैंने देखी है, और सो इतनी सी थी ये वीडियो, यहाँ से हम लोग वीडियो को शट डाउन करते हैं, सो साइनिंग आउट फ्रॉम हेयर, सो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।